मैया मुख्यमंत्री योजना या फिर झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना कह लीजिए, इसी को यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप लोग का आ रहा है इस योजना को लेके, जितने भी प्रॉब्लम है आपका, आज का इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपका, कि जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा तो क्या कारण है इसका और इसका क्या समाधान है वो भी बताएंगे। अब देखिए, किसी का रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं ये भी पता नहीं है उनको, फॉर्म तो जमा कर दिए आप ऑफलाइन लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं ये आपको नहीं पता, तो इसको भी आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, इसके भी बारे में अभी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर और एक प्रॉब्लम आता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा है, यानी कि जैसे ही आप जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करने, चाहे ऑफलाइन हो रहा चाहे ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन तो बंद हो गया अभी ऑफलाइन हो रहा, ऑफलाइन जिसको बोल रहे हैं आप लोग वो ऑफलाइन आखिरकार है क्या, क्या उसमें भी ऑनलाइन करना पड़ता है या फिर फॉर्म जमा कर दिए और आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा, वो भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि अभी तक जो बहुत सारे कमेंट आ रहा है उसमें कह रहे कि स्लिप नहीं मिल रहा और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हमको कैसे पता करना है, कहाँ से पता करना, कुछ भी पता नहीं सभी को। तो आइए सारा आपका डाउट अभी क्लियर करेंगे हम, एक एक करके आपको सभी चीज़ बताएंगे कि आपका जो आधार एग्जिस्ट बता रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है इसका क्या सोल्यूशन है, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो गलत बता रहा इसका क्या सोल्यूशन है, स्लिप कहाँ से आपको मिलेगा, सब कुछ अभी एक एक करके आपको समझाएंगे और जितने भी प्रॉब्लम है आपका सभी यहाँ पर हम लिख के लाए हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझा पाएँ। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा, जब देखिए इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा, ये फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा, ये देखिए ऑफलाइन जब फॉर्म फिलअप हो रहा बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं है, ये भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि वो फॉर्म जमा ले रहे हैं आपका जहाँ भी कैंप लग रहा है वहाँ पे भी, या फिर आप कोई CSC से भी जाके करा रहे हैं तो वहाँ से भी आप करा सकते हैं, फॉर्म वहाँ पर जमा ले रहा, लेकिन उसको भी ऑनलाइन ही करना पड़ रहा, आपका सारा डाटा ऑनलाइन डाल रहा। जैसे ही यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज आपका खुलेगा ऑनलाइन करेगा तो, और यहाँ पर आपका जैसे आधार नंबर है ना, यहाँ पर आधार नंबर जैसे ही आपका डाला जा रहा, डालना जाने के बाद अगर आपका जहाँ जहाँ आधार कार्ड लिंक है, आपका राशन कार्ड में अगर आधार कार्ड लिंक है तो आधार कार्ड का सारा डाटा वो यहाँ पे निकाल के दे देता आपको, और यहाँ पे आवेदक का नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, और इसका वहाँ पे आपका पिता का नाम आ जाता है, थाना आ जाता है, जिला आ जाता है, सॉरी जिला नहीं आता, जिला सेलेक्ट करना पड़ता, थाना सेलेक्ट करना पड़ता, ग्राम आ जाता है, पिता का नाम आ जाता है, और इस तरह से नीचे जितने भी है राशन कार्ड का ऑप्शन जो आता है, राशन कार्ड नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, राशन कार्ड का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पर राशन कार्ड भी फिलअप किया ऑलरेडी पहले से ही आ जाता है, और डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी पहले से ही फिलअप किया हुआ आ जाता है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन चेंज आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देते चलिए, कि आप अपना जो जब फॉर्म फिलअप कराने जा रहे हैं उन लोगों को भी अगर नहीं पता तो आप उनको भी बता सकते हैं कि आपका मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है गलत आ रहा है, इसको आप लोग ऐसे सुधार कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा तो। और देखिए यहाँ पर जो पिता का नाम है, यहाँ पर पिता का नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली, जिसका राशन कार्ड में जिसका नाम जुड़ा हुआ है, तो इस पिता का नाम को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी आपको दिखाते हैं कैसे आपको चेंज करना है वो भी बता देते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे सब कुछ अभी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ का फिलअप किया आ जाता है, लेकिन इसको जो है आप लोग हटा सकते हैं, इसको अपना मन से भर सकते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, पहले एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा तभी आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उसका मोबाइल नंबर भी देना है और आयु देना। तो देखिए इस तरह से ये फॉर्म खुल के आता है, इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना पड़ता है और ये इसका ऑनलाइन ही करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आप लिखा हुआ है ऑफलाइन रिसीव फॉर्म, ये ऑफलाइन रिसीव फॉर्म है लेकिन ऑफलाइन नहीं है, ये भी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कैसे करना है ये देखिए यहाँ पे इतना सारा प्रोसेस है। आप देखिए जिनका वो नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब गलत आ रहा है वो कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, नाम भी सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सुधार कर सकते हैं, और उसका अपना ग्राम पता भी जो है एड्रेस भी वो भी सुधार कर सकते हैं, उसको कैसे सुधार करना है ये भी आपको बता देते हैं। एक ट्रिक है इसका, उसको भी आप आजमाइएगा, जितने भी CSC वैल्यू है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, इस ट्रिक को अपना सकते हैं, तो आप लोग देखिए इसको कैसे अपनाना है। देखिए इसको किस तरह से करना होगा आपको, जैसे लास्ट में आप आइएगा ना, लास्ट में देखिए यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा आप, तो अप्लाई इसका फॉर्म आपका आपका सबमिट हो जाएगा, तो इसमें अप्लाई में पहले क्लिक करना नहीं है आपको, क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको,
इसके लिए सबसे पहले आप जो है पहले पेज में आइएगा, इस तरह पहले पेज में आइएगा, पहले आके यहाँ पर आप आधार कार्ड अपना डाल दीजिएगा। जैसे उसका सारा डाटा आ जाएगा, जिस भी कस्टमर का इस तरह का डाटा आएगा उसका आवेदिका का, इस तरह से आपको उसका ही करना, सबका नहीं करना। किसी किसी का आधार कार्ड डालने के बाद कोई डाटा नहीं आता है तो आपको यहाँ पे मैनुअली सब कुछ फिल करना पड़ता है, और जिसका आधार कार्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली सब आ जाता है, उसमें उसका पिता का नाम की जगह उसका हस्बैंड का भी नाम आप दे सकते हैं। हस्बैंड का नाम देने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है तो इसको भी आप सुधार कर सकते हैं। और इसके जगह पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर उनका ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, राशन कार्ड भी संख्या आ जाता है, तो सारा चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप आधार कार्ड डाल लीजिएगा, डालने के बाद इस तरह से पेज आपका खुलेगा और यहाँ पे आपका घोषणा पे आपको टिक कर देना है। घोषणा पे टिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको एक लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर पॉपअप खुल कर लिखा हुआ आएगा कि ये चीज़ आप नहीं डाले हैं, फिर से इसको डालिए, कंप्लीट कीजिए ये फॉर्म, या फिर मैंडेटरी जो मैंडेटरी जहाँ जहाँ है उसको आप फिलअप नहीं किए हैं, मतलब जहाँ जहाँ स्टार मार्क है उसको आपको फिलअप नहीं किए उसको फिलअप कीजिए। तो जब ये फॉर्म खुलेगा उसके बाद अप्लाई करने के बाद, जैसे इस पर आधार नंबर डालने के बाद, देखिए आधार नंबर आपको डालना, फिर से सुन लीजिए अच्छा से, जैसे ऊपर में आप यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है, सिर्फ आधार नंबर डालने के बाद देख लीजिएगा जो आपका आवेदिका है उसका कुछ भी आपको एडिट करना तो एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में जाना होगा, लास्ट में जाके आपको यहाँ पे टिक करना है घोषणा पे और अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद वो बोलेगा कि आप ये चीज़ फिलअप नहीं किए, इसको फिर से फिलअप कीजिए। उस टाइम में आप उसको फिलअप कर सकते हैं खुद से अपना मैनुअली, और नहीं तो आप इसमें एडिट नहीं कर पाइएगा। उस टाइम जब ये खुलेगा पेज, उस टाइम में आपको सारा कुछ यहाँ पे भरने के लिए फिर से आ जाएगा, तो आप वहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ भी अपना हाथ से भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे खुद आप इसमें एडिट करके भर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, उसका आयु यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा आयु अपने ले लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ अपने खुद से फिलअप कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा, तो जैसे ही देखिए किसी का भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, सारा पेज फिलअप करने के बाद जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद उस तरह ऊपर में एक रेड सिग्नल यानी कि रेड लिखा हुआ आ जाता है, रेड में वहाँ पर लिखता है कि योर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह लिखा आता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, यानी कि देखिए जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसका पहले कोई आपका फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला आपका, तो इसीलिए आपको उस तरह लिखा हुआ आ जाता है आप दोबारा जब फॉर्म को डालते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे चेक करना है और कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट जो बता रहा वो आपका रजिस्टर हुआ है कि नहीं, आपको कहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, उसके लिए देखिए यहाँ पे आपका जहाँ पे आप पहले से फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए थे उसी पास जाइएगा, आप कस्टमर है, आप आवेदिका है, तो आप उसी के पास जाइएगा और जाके उसको बोलिएगा देखिए यहाँ पे इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म वीएलई है जो अप्लाई कर रहा है आपका सीएससी वाले, वहाँ पे उसका इस तरह से यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दिखेगा, होम पे और यहाँ पे बैच इंट्री ऑफलाइन और यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट। तो बेनिफिशियरी लिस्ट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा, वो बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका पेज खुल के आ जाएगा कि जितना भी वो फॉर्म फिलअप किया है सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा, सीरियल नंबर, उसके बाद नाम आएगा, आधार नंबर आएगा, बैंक पासबुक का डिटेल आएगा, सब कुछ डिटेल यहाँ पे उसका खुल जाएगा। डिटेल खुलने के बाद यहाँ पे उसका सामने साइड में एक हरा रंग का यहाँ पे इस तरह से प्लस का चिन्ह आएगा हरा रंग का, उस पर उसको क्लिक करना पड़ेगा हरा रंग का चिन्ह पे, और उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे सारा डिटेल उस आवेदिका का निकल जाएगा, और वहाँ पे वो उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, वो वहाँ से आप उसका निकाल सकते हैं, कोई भी कस्टमर का, कोई भी आवेदिका का आप वहाँ से एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। तो ये आप जिसका भी ये प्रॉब्लम है, आप लोग जाके अपना जहाँ से अप्लाई किए थे सीएससी से उसको जाके ये चीज़ बोलिए, वो आपको ये चीज़ करके देगा वहाँ से निकाल के बेनिफिशियरी लिस्ट से, और आपका वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो वहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन देता है। लेकिन जब इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, इस टाइम में आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप वहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट में जाइएगा, बेनिफिशियरी लिस्ट में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन खुलता है आपका प्रिंट का। तो इस तरह से आपका जो ये प्रॉब्लम था, ये भी आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया है कि आपका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बता रहा है। ये पहले से आपका रजिस्टर हो गया लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला सर्वर डाउन के कारण,
ये बहुत कोई का हो रहा है, इसीलिए ये आपको बता रहे हैं। इस तरह से आपका सोल्यूशन ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, ये भी आपको इसी क्वेश्चन पे आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं मिला तो आपका यही प्रॉब्लम है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं दिया है अभी तक जहां आप अप्लाई किए हैं, तो उसी के पास जाइए और उसके बोलिए, वो बेनिफिशियरी लिस्ट जाके खोलेगा। बेनिफिशियरी लिस्ट में जैसे वो क्लिक करेगा, वहां पे आपका नाम शो कर जाएगा, आपका नाम टाइप करके वो सर्च कर लेगा, अगर ज़्यादा अप्लाई किया है तो, कम किया तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अपने से खोज सकता है आपका नाम, सारा आपका जितना भी वो फॉर्म फिलअप किया सभी का नाम उसका बेनिफिशियरी में लिस्ट में आ जाएगा। वहाँ से आप अपना नाम सर्च करके, आपका नाम सर्च करके वो निकाल के आपको दे देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से जहाँ पे अप्लाई किए थे उसके पास आपको जाना पड़ेगा और जाके उसको बोलना पड़ेगा, तभी वो आपको निकाल कर दे सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आप जब फॉर्म फिलअप आप कर दिए तो आराम से बैठिए, जब आपका ये अप्रूव होगा तब आपका ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, अप्रूव होगा तो भी आएगा और आपका नॉट अप्रूवल होगा तो भी आएगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ जो गलत आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है ये भी आपको समझाएं और एक बार समझा देते। डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा तो क्या करना है, इस पे इस तरह का डेट ऑफ बर्थ उसका गलत आ जाता है कस्टमर का, यहाँ पे उसका आधार कार्ड में देखिएगा डेट ऑफ बर्थ कुछ है और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ आता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबका 1-1 और यहाँ पे जितना भी उसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1990 है तो 1990 यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका आ जाता है 1-1 करके, और जबकि उसका मान लीजिए 15-2-1990 है तो ये पूरा डेट ऑफ बर्थ उसका नहीं आ रहा है। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ पूरा चेंज करना चाहते हैं, या किसी किसी का देखिएगा कि अगर उसका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 1990 है मान लीजिए, तो उसका क्या होता है यहाँ पे 1987 आ रहा है, या फिर कम आ रहा है या फिर बेसी आ रहा है, तो इसको भी आप लोग एडिट कैसे कर सकते हैं उसका ट्रिक आपको बताएं कि एडिट करने का वही ट्रिक है कि आप आधार नंबर डालने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा एडिट करने का, तो आप यहाँ पे उसके बाद एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका आधार नंबर डाल सकते हैं और डाल के यहाँ पे आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम है आप लोग का, अगर और कोई प्रॉब्लम है आप लोग का तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम आपका जितना भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो दिक्कत है वो सॉल्व हो सके। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और देखिए इस तरह का और भी अपडेट जो भी आता है सब हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो भी अपडेट मिलता है हम आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग भी अपडेट रह सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगा रोज जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए 3 तारीख से जितने भी अपडेट आया सभी कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिला और आपका जो अपडेट मिला एकदम सही अपडेट आपको दे रहे हैं, कोई भी फेक अपडेट नहीं दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो इस फॉर्म को भरने में। और देखिए और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्लिप कैसे मिलेगा आपको, और आपका स्लिप अभी तक आपको नहीं मिला और आप कैसे जानिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, इसके लिए भी वही सोल्यूशन है जो अभी आपको बताएं कि आप जो जाइएगा जहां फॉर्म फिलअप कराएं उसके पास जाइए, उसको बोलिए बेनिफिशियरी लिस्ट निकालेगा, बेनिफिशियरी लिस्ट में जैसे वो निकालेगा बेनिफिशियरी लिस्ट वहां पे आपको सारा आपका डाटा मिल जाएगा। बेनिफिशियरी लिस्ट में आप वहां पे अपना डाटा देख पा सकिएगा, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिए कागज़ में, या फिर वहां से प्रिंट दे रहा तो प्रिंट ले लीजिए, या फिर आप रजिस्टर उसको फोटो कर लीजिए, फ़ोन से फोटो करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना स्लिप मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और सारा डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पैसा कब आएगा, ये भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि पैसा कब तक आएगा, क्योंकि दिसंबर तक तो अप्लाई होगा, तो पैसा आपका आने का चांस देखिए अभी बोला है 21 तारीख तक हो सकता है, 21 अगस्त तक ना आए आपका, हो सकता है इसमें कुछ डिले हो। जो भी अपडेट आएगा हम यहाँ पे आपको देने का प्रयास करेंगे, अगर कोई और अपडेट आता कि पैसा कब तक घुसने वाला है तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगा आपको देने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसके रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए आज का इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।